नमस्ते, स्वागत है आप सबों का आज की बात में। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो आज हमारे साथ दो ऐसे ही बच्चे आज की बात में हमारे साथ बात करने के लिए आए हुए हैं, अंश और पलक। सबसे पहले आप दोनों अपना अपना परिचय दें। अंश जी, मेरा नाम अंश है, मैं सेंट्रल अकेडमी स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं सेवेंथ क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम पलक है, मैं गुड शेवर्ड कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं फिफ्थ क्लास में हूँ। अंश, आप कहाँ रहते हो? जी, राजस्थान चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में ऐसा क्या खास है? जी, वहाँ राणा प्रताप की वहाँ पे घर था। शहडोल? मैं मध्य प्रदेश शहडोल में रहती हूँ, उसको विराट नगर कहा जाता है क्योंकि वहीं से राजा जी निकले थे। अच्छा, अंश आप सेवन क्लास में हो? हाँ। और पलक? मैं फिफ्थ में। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या आप लोगों को तो पता होगा कि अभी चुनाव होने जा रहा है? हाँ। क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? श्री नरेंद्र मोदी। आपको क्यों ऐसा लगता है? जी, क्योंकि वो अच्छे काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। बारी बारी से विकास कार्यकाल में सहायता करते हैं और उन्होंने बहुत गरीब लोगों की मदद की है, लोगों के घर बनवाए हैं, उन्हें खाने के लिए सिलेंडर गैस ये सब दिया है और बहुत मदद। अंश, आप नरेंद्र मोदी को कैसे जानते हैं? जी, वो हमारे देश के राज्य एक तो नरेंद्र तो प्राइम मिनिस्टर है और दूसरा वो अभी हाल ही फिलहाल में एक रोड शो में आए थे। हाँ, तो चित्तौड़गढ़ आए थे क्या? हाँ, हेलीकॉप्टर में आए थे, एक घंटे की स्पीच दी थी। नरेंद्र मोदी को आप लोग मतलब कहाँ टीवी पे देख के जानते हैं कि वो ऐसा से काम कर रहे हैं? नहीं, मैंने उनको खुद भी देखा है। मैंने उन्हें नहीं देखा है। पलक, क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्योंकि उन्होंने असल में अच्छे काम किए हैं, वो हमेशा दूसरों का अच्छा चाहते हैं, कभी खुद का स्वार्थ नहीं सोचते हैं। राहुल गांधी भी तो कांग्रेस के हैं जिनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है देश के विकास के लिए, राहुल गांधी क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने ज्यादा विकास कार्य नहीं किए हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनने अपने लिए बहुत काम किया और दूसरे के लिए बिल्कुल काम नहीं किया। कुछ कुछ इनके जो पार्टी के मेंबर्स है उनने मोदी को क्या कहा है, मोदी चोर है और चौकीदार चोर है, उन्हें बहुत बुरा भला भी कहा है, गालियां दी। गालियां तो मोदी की पार्टी भी देती है, विपक्षी दलों के जितने भी सदस्य उनको वो भी गाली देते हैं। गाली तो राजनीति में गाली देना उन्होंने स्टार्ट किया था और ये सब बोलना उन्होंने ही शुरू किया था। सबसे अच्छी चीज क्या लगती है नरेंद्र मोदी की? जी, वो हर समय हंसते रहते हैं और किसी भी बात का बुरा ना मानते हैं और वो कभी भी ज्यादा अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों की मदद करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। शिक्षा को लेकर नरेंद्र मोदी क्या काम कर रहे हैं आप लोगों के स्कूल में, आपके राज्य देश में? विद्यालय बना रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, आप राजस्थान के रहने वाले, क्या राजस्थान में कोई परिवर्तन नजर आ रहा है पिछले? हाँ, नरेंद्र मोदी के हाल ही फिलहाल राजस्थान की रोड एकदम बेकार थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए तब से उन्होंने सारी रोडें एकदम पक्की करवा दी। बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनके गवर्नमेंट स्कूल बनवा दिए। पलक, आपके राज्य मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन है? बहुत परिवर्तन हुआ है, वहाँ स्कूल ज्यादा नहीं थे पर अब बहुत हैं और रोड भी थोड़े अच्छे हो गए हैं। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, क्या इस वाकई में ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो रहा है। क्या आपके राज्य में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है? हाँ, प्रदान की जा रही है। आप क्या उन बच्चियों से मिली हैं जो मुफ्त शिक्षा लेती हैं? नहीं, मैं मिली तो नहीं हूँ पर मैं कह सकती हूँ, मैंने देखा भी है, बहुत ऐसा हुआ है। नरेंद्र मोदी को बेस्ट विशेष देना चाहेंगी? हाँ। क्या बोलेंगे अगर नरेंद्र मोदी मिले तो?
जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।